नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक डीआईवाई के प्लेग्राउंड सेशन में। आज हम स्प्रिंग बूट की लॉगिंग मैकेनिज्म को बताएंगे। स्प्रिंग बूट में लॉगिंग के लिए लॉगबैक डिफॉल्ट रहता है, लॉगबैक मैकेनिज्म रहता है। और लॉगबैक फर्स्ट हम जीरो कॉन्फ़िगरेशन से चलेंगे। और ये जो साइट आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये साइट बहुत ही फेमस जावा साइट है, जो कि belding.com है, BAELDUNG.com। यहाँ पे आपको जावा से रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। और ये साइट 10 में से 9 डेवलपर्स एटलीस्ट इस साइट को फॉलो करते हैं, इतना फेमस साइट है ये। तो आपको ज़्यादातर अपनी क्वेरीज के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जोक्स अपार्ट, अभी आगे चलते हैं। तो अभी हम अपना एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाएंगे लॉगिंग के लिए, जो कि मेवन बिल्ड रहेगा, उसका मेवन प्रोजेक्ट रहेगा। जावा में बनाएंगे तो जावा रहेगा, और स्प्रिंग बूट वर्जन डिफॉल्ट जो ये सजेस्ट कर रहा है 2.4.4 ही रहेगा। नाम हम उसका दे देंगे कॉम डॉट सॉरी स्प्रिंग बूट लॉगिंग्स। और हाँ, तो यही अपना जो लॉन्चर है, इसमें हम वही डिटेल फिल कर रहे हैं, कॉपी करेंगे, आर्टिफैक्ट में भी सेम चीज़ डालेंगे, और पैकेजिंग में जार डाल देंगे, लैंग्वेज में जावा 8 सेलेक्ट कर लेंगे, डिपेंडेंसीज में हम स्प्रिंग वेब लेंगे और लॉम्बोक ले लेंगे। अगर कहीं पे हमको कुछ, कहीं पे क्या, लॉम्बोक लेंगे SLF4j की एनोटेशन के लिए। तो चलिए जनरेट करते हैं। तो ये जनरेट पे क्लिक करते ही हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड होगा हमारे लोकल में। डाउनलोड होने के बाद, अभी प्रोजेक्ट डाउनलोड हो गया, अब उसको अपन इंपोर्ट कर रहे हैं आइडिया में, इंटेलिजी आइडिया में। फाइल में जाके न्यू, न्यू में जाके इंपोर्ट करके ऑप्शन आता है, तो उससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। चलिए प्रेजेंटेशन मोड में चलते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पे हम, जो कि पैकेज का नाम हम कंट्रोलर दे देते हैं। एक सिंपल कंट्रोलर रहेगा, इसी कंट्रोलर के अंदर हमारा सारा जो लॉगिंग हम करेंगे, पांचों फाइव लॉग लेवल्स होते हैं बेसिकली। स्प्रिंग लॉगिंग की जब डिस्कशन करते हैं तो नॉर्मली जावा में पांच लॉगिंग लेवल्स होते हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल होता है ट्रेस, फिर डीबग, उसके बाद होता है इन्फो, वार्निंग और एरर। ठीक है, अगर मैंने ट्रेस लेवल दिया हुआ है तो मुझे पांचों दिखेंगे, अगर मैंने इन्फो लेवल दिया हुआ है तो मुझे नीचे के तीनों दिखे। इस तरह से लॉगिंग लेवल्स होते हैं। ठीक है, अभी हम जो हमारा रेस्ट कंट्रोलर बना रहे हैं उसमें हम लॉगर क्रिएट कर रहे हैं। जो लोग नए हैं लॉगिंग में, उनको नहीं पता होगा ये स्टेटमेंट, तो लॉग एट लाइन लाइन नंबर 9 में हम लॉगर क्रिएट कर रहे हैं, और ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो सब जिस और इसी तरह से मोस्टली लॉगर क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो डिफॉल्ट लॉगबैक का यूज़ करता है। लॉगबैक एक लॉगिंग टूल है, हम कह सकते हैं कि एक लॉगिंग लाइब्रेरी है। ठीक है, और उसके ऊपर SLF4j जो है वो रैपर रहता है, एक जनरलाइज्ड रैपर है। तो उसके नीचे हम लॉगबैक भी यूज़ कर सकते हैं, अपाचे कॉमन्स कॉमन लॉगिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, और Log4j भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी कोई लॉगिंग डिफाइन नहीं की है, तो स्प्रिंग बाय डिफॉल्ट लॉगबैक लेता है, तो वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अभी हम इसको रन करेंगे, हमने चारों स्टेटमेंट्स दिया है, और चारों स्टेटमेंट जो है एक ट्रेस लेवल पे, एक इन्फो, एक वार्निंग और एक एरर पे है। ठीक है, ये लॉग फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर, और उसमें जिस जो क्लास में हम अभी लिख रहे हैं उसी क्लास का नाम रहता है। इस तरह से हम लॉगर को इनिशियलाइज करते हैं। अभी हमने सिंपल एक गेटर गेट पाथ दिया है, जब तक सर्वर लोड हो रहा है तब तक हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, तो होता यही है। तो इस तरह से स्प्रिंग जो है, अगर आपने पहले स्प्रिंग से पहले अगर जावा एप्लीकेशंस यूज़ की होगी तो आपको पता होगा कि हमको लॉग फोर जे XML लिखनी पड़ती थी, उसमें अपेंडर्स वगैरह सब लिखने पड़ते थे। ये देखिए, अभी लॉग लेवल में ये लॉगिंग जो है बेसिकली डेवलपर्स और टेस्ट जो डेवलपर्स और टेस्टर्स और जो हायर लेवल पे चीज़ों को डिप्लॉय करते हैं, उन्हीं लोगों के काम की चीज़ है। क्लाइंट के लिए इतना कोई लॉगिंग का मतलब नहीं होता है, बट ये एक, हाँ, लॉगिंग जो है इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कहते हैं कि NFRs, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मतलब कोड में हमको
उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमको लिखना पड़ता है। और ये हमारे जो बग फाइंडिंग का जो प्रोसेस रहता है उसको ईजी करता है, ठीक है। तो इसलिए लॉगिंग करना ज़रूरी रहता है, NFRs में आता है और ये हर सॉफ्टवेयर में ज़रूरी है, होना ही चाहिए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पहले हमने ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन वाला देखा था, अभी हम फिफ्थ कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि लॉगबैक की ही कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने जा रहे हैं। तो अब ये अब क्या होगा, पहली बार में स्प्रिंग बूट ने सीधा सीधा लॉगबैक को ले लिया था और उसकी जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन थी उनके साथ उसने लॉगिंग को कॉन्फ़िगर कर दिया था और शो करने लग गया था, ठीक है। और अब हम अपना खुद का लॉगबैक लिखने जा रहे हैं, logback.xml लिखने जा रहे हैं, लॉगबैक spring.xml लिखने जा रहे हैं। इसमें हमको जैसा मैं पहले बता रहा था आपको, हमको अपेंडर लिखना पड़ता है, रूट लेवल अपेंडर और फिर लोकल लेवल अपेंडर, वो सब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। अभी ये कॉन्सोल अपेंडर लिख रहे हैं और ये जो क्लास है कॉन्सोल अपेंडर की, ये मतलब नॉर्मली क्योंकि हम लॉगबैक कर रहे हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस सब जगह सेम ही रहने वाला है। आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन आप लिखने वाले हैं। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉपी कर सकते हैं लेफ़्ट साइड से, यानी इस building.com में जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है हम उस तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कॉपी करके डाल सकते हैं। पर मैं इसको लिख के मैंने पूरा इसको बनाया है। सेम लेवल में अपेंडर हम क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा अपेंडर बनाएंगे पहले रूट लेवल के लिए, मतलब ये जो कॉन्सोल अपेंडर बनाया है इसको रूट लेवल पे रेफर करेंगे और इसी तरह से लोकल लेवल पे भी रेफर करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, अपेंडर का मतलब होता है कि जो लॉगिंग होगी वो लॉगिंग कहाँ पे मैं डालूँ, आपसे सिस्टम पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने उसको बताया कि भैया कॉन्सोल पे डाल दो। कॉन्सोल का मतलब जो सर्वर स्क्रीन है जहाँ पे हमारा स्प्रिंग बूट लोड होता है, तो वो स्प्रिंग का जो मतलब स्पेशल कैरेक्टर से स्प्रिंग का लोगो बना हुआ आता है वो सारा जो है वो कॉन्सोल कहलाता है या टर्मिनल भी कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम बोल रहे हैं कॉन्सोल पे डाल दो, ठीक है। और दूसरा अपेंडर रहता है जो फाइल अपेंडर रहता है कि भैया ठीक है मेरे को इस फाइल में अपेंड करके इस फाइल में डाल दो, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये इसमें कुछ एरर आ रहा था, तो ये होता है कई बार अपन जब खुद से लिखने बैठते हैं तो ये ऐसे इस तरह के इशू आ जाते हैं। शायद मेरे को लगता है कहीं पे कुछ क्लास वास अपेंडर में जो हमने लिखा है उसमें कहीं पे कुछ इशू आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, अपन अपेंडर इसी का अपेंडर उठा के मैंने कॉपी पेस्ट किया है, अभी देखें इसको एक बार रन करके देखते हैं। और कॉपी करके मैंने एक चीज़ किया है, मैंने अपने पैकेज लेवल वगैरह वो सब मैंने अपने डिफाइन कर लिए हैं उस कॉपीड कोड में XML में। अभी आप देख सकते हैं जैसे ट्रेस डीबग इन्फो एरर वार्निंग सारे लॉग लेवल्स वहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वेल एंड गुड। अभी हम जैसा ये हमारी फाइल है, लॉग फाइल है जो मैं आपको कह रहा था, फाइल में अगर हमको लेना है तो फाइल अपेंडर हमने लिखा, ठीक है। और वो फाइल अपेंडर लिखने के बाद ये उस फाइल में जाके शो लॉग फोल्डर बना, लॉग फोल्डर में ये फाइल हमको मिल जाएगी और ये पाथ वगैरह सारा कॉन्फ़िगरेशन है ये इसमें ही जाता है, logback.xml जो हमने लिखी थी उसमें चला जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमको logback नहीं चाहिए, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग दे रहा है हमको वो नहीं चाहिए, उसकी जगह हमको log4j चाहिए। प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है कि आपको लॉगिंग log4j ही से ही करना है या लॉग कॉमन्स लॉगिन के साथ ही करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो वही यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूजन्स। आप हमेशा याद रखिए कि अगर अपने को स्प्रिंग बूट का जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में या जो डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग दे रहा है उसके साथ अगर हमको नहीं करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉम में जाके एक्सक्लूजन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक्सक्लूजन में डिफाइन किया स्टार्टर लॉगिंग और जो हमको चाहिए वो क्या चाहिए, स्प्रिंग बूट स्टार्टर log4j। तो वही हमने log4j को पॉम में ऐड किया और ऐड करने के बाद उसको मेवन को रिफ्रेश कर दिया तो वो हमारा M2 में log4j की जो बाइनरी थी वो आ गई। अभी हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। अब हम log4j.xml लिखेंगे क्योंकि logback.xml का तो अब कोई मतलब नहीं है। तो log4j.xml में भी सेम उसी तरह से जैसा हमने पहले लिखा था उसी तरह से हम उसका
अपेंडर्स लिखेंगे, रोलिंग फाइल अपेंडर और कंसोल दोनों लिखेंगे, और उनके रेफरेंसेस हम पास करेंगे अपने कहाँ पे, रूट लेवल पे और लॉगिंग लोकल लॉगिंग में, दोनों जगह हम उसके रेफरेंसेस पास कर देंगे। ठीक है, अभी हम कंसोल के लिए अपना अपेंडर लिख रहे हैं, कंसोल अपेंडर लिख रहे हैं। थोड़े बहुत जो टैग्स वगैरह वही डिफरेंट होते हैं, बाकी ज़्यादातर लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो हैं, XML फाइल्स हैं, ज़्यादातर सेम ही होती है। ठीक है, तो अपेंडर लिख रहे हैं, इसमें कंसोल में लिखा है, कंसोल के लिए लिख रहे हैं टारगेट सिस्टम आउट पैटर्न लेआउट, ये पैटर्न लेआउट यहाँ पे लेफ्ट से हम ले रहे हैं। पैटर्न लेआउट हमको ये बताता है कि भाई डेट एंड टाइम किस तरह से शो होगा, क्लास का नाम कैसे शो होगा, किस कलर वगैरह में शो करना है हमको, वो सारा कुछ भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने पहले देखा था कि इनिशियली जब हमने जीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ किया तो सब वाइट में हमको दिख रहा था, फिर बाद में जब हमने यहाँ पे XML में कॉन्फ़िगर किया था तो हमको येलो, ब्लू और कलरफुल, क्योंकि ज़िंदगी कलरफुल है तो लॉग्स भी हमारे कलरफुल आ रहे थे। ठीक है, इन्फो है तो ब्लू कलर में आएगा, रेड अगर एरर है तो रेड कलर में आएगी। तो इस तरह की लॉगिंग लेवल की कलाकारी यहाँ पे होती है, तो वही कलाकारी यहाँ पे कर रहे हैं। रेफरेंस रोलिंग फाइल और दोनों का रेफरेंस हमने रूट लेवल पे दिया अभी, और दोनों लेवल्स पे, रूट लेवल और लोकल लेवल पे, हमने रूट लेवल पे हमने इन्फो लिया है और लोकल लेवल पे हमने ट्रेस लिया है। लेवल में ये हमारा रूट लॉगर है दूसरा, और लॉगिंग का पैकेज, जो पैकेज हमको देना है वो हम ज़रूर ध्यान रखिए कि रूट लेवल और लोकल लेवल पे, रूट लेवल पे नहीं लेकिन लोकल लेवल पे हमको पैकेज देना पड़ता है कि किस पैकेज में हमारी लॉगिंग रहेगी। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है लॉगर डॉट ट्रेस और ये सारा कुछ कौन से पैकेज में, तो ये हमको वहाँ पे XML फाइल में दिखाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। अभी हमारा ट्रेस लेवल है लोकल पे, हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन्फो, हाँ ठीक है, अभी ये सारे कुछ शो कर रहे हैं। हाँ, तो ये लेफ्ट में हमने देखा, राइट में भी वैसा ही शो हो रहा है, और इसके बाद लॉग 4j विदाउट SLF 4j ये हम नहीं करेंगे। लॉगिंग विथ लॉम्बॉक, हाँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि ये अपना जो लॉम्बॉक है, आई एम अ फैन ऑफ लॉम्बॉक गाइज, कि जो लॉम्बॉक है इसकी वजह से बॉयलर प्लेट कोड बहुत कम हो जाता है और बहुत कम स्टेटमेंट्स में हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। मतलब डेवलपर्स के लिए एक वरदान है लॉम्बॉक, कि आप अपनी एनोटेशन, अपने मॉडल पे एक एनोटेशन डालिए और आपका सब कुछ वो करके दे देगा। अभी SLF 4j जो है, @SLF 4j @log4j @commons log, ये सारी जो एनोटेशन हैं ये लॉम्बॉक के अंदर होती है। ठीक है, तो जब भी हम एनोटेशन लगाएंगे, अभी क्या किया है हमने, जो लॉग शुरू में हमने जो स्टेटमेंट लिखा था जहाँ पे हम क्लास का नाम पास कर रहे थे, लॉग फैक्ट्री, लॉगर फैक्ट्री वाला, वो स्टेटमेंट अगर हम SLF @ एनोटेशन यूज़ करते हैं लॉम्बॉक के, तो हमको वो स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी पड़ती है। ठीक है, उसकी जगह हमको एक तो वो स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ती है, और दूसरा जो है जब SLF 4j के थ्रू हमारी लॉगिंग इंजेक्ट हो रही है तो हम सिंपल इसी तरह से बोलेंगे, लॉग डॉट ही रहेगा, लॉगर डॉट नहीं रहेगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी लॉगिंग ऐड करनी तो लॉग डॉट इन्फो, लॉग डॉट ट्रेस वार्निंग, उस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लॉगिंग हम कर सकते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर, और कॉन्फ़िगरेशन भी इस तरह से हो सकती है। तो अभी लॉग 4j2 हमने डाला तो उसके साथ भी आप देख सकते हैं सेम हो रही है। अभी हम एनोटेशंस चेंज कर करके देख रहे हैं, तो @commons log डाला, तो अभी फिर से अगर अपन देखेंगे तो हमको सारी लॉगिंग उसी हिसाब से दिख रही है। इसके साथ ये सेशन ख़त्म हुआ, अभी अगला सेशन देखते हैं जो हम परफॉर्मेंस लॉगिंग पे करने वाले हैं, और उस सेशन में बेसिकली हम कुछ यूटिल क्लासेस हैं उनका यूज़ करेंगे। और परफॉर्मेंस लॉगिंग में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन में या किसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा, वो टाइम हम लोग
लॉग में ऐड कर सकते हैं। तो एओपी के थ्रू हम वो करेंगे, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो वही हम आगे करने वाले हैं। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को, मतलब किसी फंक्शनैलिटी को, NFR जो हमने डिस्कस किए थे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जैसे लॉगिंग हो गया, अब लॉगिंग को अगर हम हर एक जगह पे जा जा के लिखेंगे हर एक फंक्शन में, तो वो चीज़ काफ़ी कम्बरसम, पहले लिखना पड़ता था इस तरह से। तो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको एस्पेक्ट क्लास के अंदर लिख सकते हैं और उसको जहाँ जहाँ पे हमको ऐड करना है वहाँ जॉइन पॉइंट्स कहलाते हैं, वहाँ पे हम अपना एस्पेक्ट जो है वो एडवाइस के थ्रू जॉइन हो जाता है। अभी हम सेम पुराना जो पिछला जो प्रोजेक्ट था हमारा, उसी में हमने स्टार्टर AOP ऐड कर लिया है अपने पॉम में, pom.xml में, और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप जैसे देख सकते हैं हमने पॉम में ऐड किया और अब हम कंट्रोलर बनाया, अभी हम एक मॉडल क्लास भी लिखेंगे। तो मॉडल क्लास हम यहाँ लॉगिंग एस्पेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं, तो हमने सिंपली एस्पेक्ट नाम से एक पैकेज बना लिया, इसके अंदर हमारा एस्पेक्ट हम लिखने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, एस्पेक्ट में हम ये बताएंगे कि कहाँ पे हमको क्या चीज़ इंजेक्ट करवानी है, कोड के अंदर इंजेक्शन करते हैं हम लोग, इंजेक्ट करते हैं, जैसे लॉगिंग को इंजेक्ट करता है हमको फंक्शंस के स्टार्ट में और उसके एंड में, तो वो हम यहाँ पे बताएंगे। अब स्प्रिंग बूट में वही चीज़ एनोटेशन के थ्रू हो गई है, तो एट एस्पेक्ट हमको एनोटेशन ऐड करना पड़ेगा, एट SLF4j, क्योंकि ये जो लॉगिंग एस्पेक्ट है ये हम लिखने जा रहे हैं, तो एट SLF4j भी ऐड करना पड़ेगा। और एट अराउंड, ये जो अराउंड है ये एडवाइस है, और ये जो हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं इसमें हम ये बता रहे हैं कि इस पैकेज, इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होगी उन सारी क्लासेस में सारे मेथड्स के अंदर हमको इसको एग्जीक्यूट करना है, नीचे जो मेथड लिखा हुआ है उसको हमको उन सब में एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं, और ये एट द रेट अराउंड है, ये एडवाइस कहलाती है, ये मेथड के स्टार्ट और एंड दोनों साइड में होगी, एट द रेट अराउंड है इसलिए। अगर ये एड बिफोर होता तो मेथड के स्टार्ट होने से पहले, मतलब मेथड के स्टार्ट होने से पहले और आफ्टर, यानी मेथड के स्टार्ट होने के बाद, इस तरह से ये एडवाइसेज रहती है, एट अराउंड, एट आफ्टर, एट बिफोर, एट मतलब एक्सेप्शन भी अगर थ्रो करता है तो उस टाइम पे क्या करना है, इस तरह से सारी एडवाइसेस होती है, ठीक है। अभी हम लोग स्टॉप वॉच का यूज़ कर रहे हैं, ये स्टॉप वॉच जो है ये बेसिकली स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक यूटिल क्लास है, इसका हम यूज़ करके स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर सकते हैं, मेथड के स्टार्ट में अपना जो एस्पेक्ट है प्रोसीडिंग जॉइन पॉइंट के स्टार्ट में और उसके एंड में हम उसको इस स्टॉप वॉच को डाल देंगे और इसका जो टाइम है उसको लॉक कर लेंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया है, स्टॉप वॉच का ऑब्जेक्ट लिया है, उसको स्टार्ट किया है और फिर उसका जो रिजल्ट आया है उसको हम प्रोसीडिंग जॉइन पॉइंट में, उसमें प्रोसीडिंग जॉइन पॉइंट मतलब जॉइन पॉइंट का मतलब हमको वो कहाँ पे ऐड करना है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं उसको, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोसीडिंग जॉइन पॉइंट में यहाँ पे ये लॉग इन्फो जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, और क्योंकि हमने इस पैकेज जो हमारे प्रोजेक्ट का रूट पैकेज था उसी को हमने एग्जीक्यूशन जो एक्सप्रेशन लैंग्वेज एक्सप्रेशन लिखा था उसमें हमने उस पैकेज को डाला था, तो जितनी भी क्लासेस रहेगी सब क्लासेस में ये लगा है। और अभी हम देख सकते हैं वो जो हमने लॉग ऐड किया था वो यहाँ पे, अगर हमारा गेट रिक्वेस्ट कॉल होती तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं ये इन्फो वहाँ पे शो हो रही है, जो हमने एस्पेक्ट में ऐड की थी वो लॉगिंग एस्पेक्ट से यहाँ पे शो हो रही है। अब हम अपना मॉडल क्लास लिखने जा रहे हैं, और मॉडल क्लास अगेन हम लोग लॉम्बो का यूज़ करेंगे, और पर्सन क्लास बनाई हमने, एट द रेट डेटा, एट द रेट टू स्ट्रिंग, नो आर कंस्ट्रक्टर, ऑल आर कंस्ट्रक्टर, ये सब हम लोग एनोटेशन यूज़ करने वाले हैं, ये सब जनरेट करके लॉम्बोक हमारी कोड में इंजेक्ट करेगा। और हमारे जो इस मॉडल क्लास के लिए तीन फील्ड्स हम ले रहे हैं, आईडी, नेम और डिपार्टमेंट। तो नेम डिपार्टमेंट जो है स्ट्रिंग है, आईडी जो है हमने सिंपल इंटीजर रखा है। अभी हम एम्प्लॉय कंट्रोलर अलग से लिख दे रहे हैं, पहले हमारा जो लॉगिंग कंट्रोलर जो पहले से बना हुआ था। अभी देखने वाली बात है कि क्योंकि हमारे सारे जो पैकेजेस हैं
ये सारे पेरेंट पैकेज यानी कि हमारा जो स्प्रिंग बूट लॉगिंग्स डॉट स्प्रिंग बूट लॉगिंग्स करके जो पैकेज है वो हमारा रूट पैकेज है, और वो हमने डिफाइन किया है कहाँ पे, एस्पेक्ट के जो एक्सप्रेशन दिया है ना वहाँ पे हमने वो पैकेज दिया है, अगर आपको ध्यान हो तो, एट एग्जीक्यूशन में, एट अराउंड एडवाइस में हमने एग्जीक्यूशन करके पास किया था, एग्जीक्यूशन एक्सप्रेशन पास किया था पूरा, ठीक है, तो वो वहाँ से रीड होगा। अब यहाँ पे जो भी हम मेथड्स लिख रहे हैं सिंपल कुछ डमी डेटा हम लोग बना के दे रहे हैं, और डमी डेटा में हम जो अभी करंट वर्ड की महान शख्सियत जो लोग हैं उनका हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं पर्संस में, और डिपार्टमेंट हम कह रहे हैं कि भाई इलॉन मस्क R&D में दे रहे हैं, स्टीव जॉब्स हमारे बहुत ही फेमस विजनरी थे हमारे टाइम के, बट अब तो खैर वो नहीं है, तो हम उनको मार्केटिंग में देंगे क्योंकि उनका जो फील्ड था वो मार्केटिंग का और रिसर्च दोनों का था, तो हम मार्केटिंग दे रहे हैं। जॉन हमारा जॉन भी एक्चुअली आई जॉनथन नाम था इनका, मैं भूल गया हूँ कि ये एप्पल में जो डिजाइनिंग का काम था वो सारा इनका रहता था, जॉनथन ईव नाम था इनका, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। और गेट मैपिंग, दो तरह की मैपिंग यहाँ दे रहे, गेट मैपिंग ऑल एम्प्लॉयज एंड डिस्टिंक्ट एम्प्लॉयज, तो वो भी हम यहाँ शो करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन रहता है, कई सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है, उसमें अगर मुझे डिस्टिंक्ट चाहिए बेस्ड ऑन पर्टिकुलर फील्ड तो मैं उसको कैसे गेट कर सकता हूँ, तो वही हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, गेट बाय डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट से अभी ट्राई कर रहे हैं। हम अपना फिल्टर इस तरह से लिखेंगे कि वो फिल्टर में हम एक लैम्डा फंक्शन पास कर रहे हैं और वो लैम्डा फंक्शन हमारा प्रेडिकेट रिटर्न करेगा, और वो प्रेडिकेट क्या होगा, वो प्रेडिकेट होगा एक कंडीशन, प्रेडिकेट बेसिकली एक कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है वो एक प्रेडिकेट रिटर्न करेगा, तो वही हम अपनी अभी लिखने जा रहे हैं, डिस्टिंक्ट की के बेसिस पे हम इसको मतलब नाम इसका डिस्टिंक्ट की है, तो हम जो भी ऊपर के लिस्ट एम्प्लॉय लिस्ट में से जो भी की हम वहाँ पास करेंगे उसके बेसिस पे हमारा प्रेडिकेट रिटर्न हो जाएगा, और प्रेडिकेट में जो कंडीशन है वो हम यहाँ पे देंगे नीचे, तो ये यहाँ पे दे रहे हैं हम, रिटर्न कर रहे हैं एम्प्लॉय, मैप डॉट पुट इफ एबसेंट, अगर एबसेंट होता है तो उस केस में मैप में पुट, बेसिकली ये लॉजिक वही पुराना वाला है जिसमें हम एक मैप लेते थे और उस मैप में अगर मतलब एक इटरेट कर रहे हैं, ये इटरेट कर रहे हैं इस लिस्ट के ऊपर, और अगर किसी में अगर वो एबसेंट है तो उसको मैप में पुट कर दो, इस तरह से हम उसको काउंटर रखते थे, तो सेम चीज़ यहाँ पे सीधे सीधे हो रही है, मैप इफ एबसेंट अपना वही काम करता है बेसिकली, तो ये हो गया है, अभी सर्वर को रिस्टार्ट किया है, बेसिकली हमारा जो लॉगिंग परफॉर्मेंस लॉगिंग वाला काम तो वो स्टॉप वॉच लगा के हमने कर लिया है, अगर आप देखेंगे तो अभी हर एक फंक्शन के बाद ये उसका बता देगा कि उसको स्टार्ट होके और एंड होने में कितना समय उसमें लगा है, तो अभी तो ये डिपार्टमेंट के साथ हमने डिस्टिंक्ट की ट्राई किया है, अभी हम डिस्टिंक्ट की चेंज कर करके देखेंगे, अभी जैसे ऑल एम्प्लॉयज़ पास किया तो सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट अपने पास आ रही है, लेकिन जब डिपार्टमेंट के साथ किया तो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक ही एम्प्लॉय आएगा, ठीक है, वही हमने यहाँ शो किया था, अभी जैसे हम और भी एम्प्लॉयज ऐड किए, ठीक है, तो नाम के बेसिस पे अगर करेंगे तो नाम में जो फर्स्ट की हमको मिलेगी नाम की उसका रिकॉर्ड वहाँ पे शो होगा, बाकी दो का नहीं होगा, अभी जैसे R&D डिपार्टमेंट के तीन रिकॉर्ड्स है तो तीन में से पहले वाले का हमको शो हो जाएगा डेटा, तो वही हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे। अभी हमने अभी देखते हैं, हाँ अभी गेट डिपार्टमेंट की जगह हम अभी गेट नेम कर देते हैं, तो जॉन जो नेम है वो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इस बार जब हम गेट की में गेट डिस्टिंक्ट जो डिस्टिंक्ट की वाला मेथड है उसके अंदर हम पास करेंगे अब की बार नेम,
तो ऑल दो जॉन 3 बार आया और तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट से, लेकिन जब क्योंकि हमारा की जो है वो नेम पे है तो ये एक ही बार शो होना चाहिए अभी, मतलब हाँ। तो यहाँ पे देखिए जॉन एक ही बार शो हुआ है, जबकि जॉन इतनी बार मेन लिस्ट में इतनी बार है। तो बेसिकली यही फिल्टर का एक बताना था आपको, स्ट्रीम्स में फिल्टर इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं हम। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा गया है आजकल, Java 8 इंटरव्यू क्वेश्चंस में आता है ये कोड करने के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं। तो और ये परफॉर्मेंस लॉगिंग में आप देख ही पा रहे हैं कि 26 मिलीसेकंड्स और 1 मिलीसेकंड ये टाइम बता रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पूरे जिंदगी का पूरा आनंद लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खत्म, बाय बाय, टाटा।